हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको हाफ ग्लिटरी आई मेकअप। सबसे पहले लेंगे हम पिंक आई शेडो, जो कि मैंने आई मैजिक की आई शेडो पैलेट से लिया है। ये बहुत ही अच्छी आई मैजिक की आई शेडो पैलेट है और इसके पिगमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। देन मैंने दूसरी साइड भी मैंने पिंक आई शेडो ले लिया है और उसको अच्छे से अप्लाई करना है, और अच्छे से मैंने अप्लाई किया है। देन उसके बाद मैं लूँगा एक ब्लैक आई शेडो, एंड ये ब्लैक आई शेडो मैं आई मैजिक की आई शेडो पैलेट से ही ले रहा हूँ। इसको मैं क्रीज पे अप्लाई करूंगा। क्रीज पे अप्लाई करने के बाद प्रॉपरली ब्लेंड कर दूंगा। ब्लेंड करने के बाद मैं फ्लफी ब्रश से भी ब्लेंड करूंगा, जिसकी वजह से मुझे इसमें लाइन नहीं दिखानी है एंड इसको अच्छे से ब्लेंड दिखाना है। तो अच्छे से करने के बाद मैंने दूसरी साइड भी मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है, इसको क्रीज लाइन पर अप्लाई किया है। एंड क्रीज लाइन पर अप्लाई करने के बाद इसको भी मैं फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करूंगा और काफ़ी अच्छे से मुझे फिनिशिंग के साथ ही आई मेकअप दिखाना है। तो आप प्लीज़ गाइज, आप भी सेम ऐसे ही आई मेकअप करिए। और मैंने ये बोन हाइलाइटर लिया है एंड इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं ये दोनों बोन हाइलाइटर को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा। और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं लूँगा जो कि ईयरबड्स जो होती है उसको मैं करूँगा कट क्रीज को। एंड अच्छे से क्रीज को कट करने के बाद इसको फिनिशिंग भी देना है गाइस, तो आप बाद में फिनिशिंग दे सकते हो जैसे मैंने दिया है। एंड फिनिशिंग देने के बाद आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड ये ग्लिटरी हाफ कट क्रीज आई मेकअप होने वाली है। उसके बाद मैंने लिया है कंसीलर। कंसीलर को मैं अच्छे से इसको फिनिशिंग करूँगा, अच्छे से इसको फिनिशिंग दूंगा। थोड़ी बहुत जो भी कमियाँ होंगी वो कंसीलर से ख़त्म हो जाएंगी और प्रॉपरली फिनिशिंग में हमारा आई मेकअप हो जाएगा। देन उसके बाद मैं सेम दूसरी साइड पे भी कंसीलर लूँगा एंड कंसीलर लेने के बाद उसको भी फिनिशिंग से कट करूँगा। फिनिशिंग से कट करने के बाद प्रॉपरली इसमें भी फिनिशिंग आ जाएगी। देन उसके बाद करने के बाद मैं लूँगा एक ब्लैक आई शेडो जो कि मैंने स्टार्टिंग में सेकेंड में लिया था। मैं इसको कॉर्नर टू कॉर्नर इसको अप्लाई करूँगा। फर्स्ट कॉर्नर पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपरली, देन दूसरे साइड पे भी मैं सेम ऐसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, जो हमने सेकंड वाला किया था उसमें ब्लेंड कर देना है आपको प्रॉपर। देन उसके बाद मैंने पिंक आई शेडो ले लिया है। पिंक आई शेडो से इसको कॉर्नर टू कॉर्नर थोड़ा नीचे के लेके जाएंगे, नीचे के लिए लेके जाएंगे जिससे कि थोड़ा कर्व में लेके जाना है आपको, जिससे कि आई मेकअप में जो शेड आएंगे ना काफ़ी अच्छे आएंगे। तो सेम मैंने दूसरी साइड पे भी सेम अप्लाई करके नीचे के लिए ले लिया है थोड़ा कर्व में, जिससे कि हमारा आई मेकअप का शेड अच्छा आए। तो आपको भी प्रॉपर ऐसे ही ब्लेंड कर देना है, बिकॉज आप ब्लेंड करोगे तो प्रॉपरली जो लाइन है वो विजिबल नहीं होगी और आपका जो आई मेकअप है प्रॉपर ब्लेंडिंग में होगा। देन उसके बाद मैं लूँगा शिमर, जो मैंने वाइट शिमर लिया था, और उसको अच्छे से मैंने आई पे प्रॉपर ब्लेंड कर दिया है। और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद और दूसरी साइड भी मैंने सेम अच्छे से अप्लाई किया है और ब्लेंड किया है। देन ब्लेंड करने के बाद आप देखो मैं कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ, सेम वैसे ही आपको ब्लेंड करना है इस तरीके से। दूसरी साइड भी आपको सेम ऐसे ही ब्लेंड करना है, जिससे कि हमारा आई मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सेम ऐसे ही करो आप अप्लाई। और अच्छे से करने के बाद मैंने ये लिया है एक क्रायलोन का जेल, और अच्छे से इसको आप फिंगर की मदद से डैब डैब करेंगे। देन ब्रश के हेल्प से आपको इसको डैब डैब करके लगा देना है, हमारा जो ग्लिटर है अच्छे से लग गया। देन दूसरी साइड भी मैंने डैब डैब करा उंगली से फिंगर से, उसको भी मैंने ब्रश की सहायता से मैंने डैब डैब करके लगा दिया। उसके बाद मैंने लिया लाइनर। लाइनर अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमारा आई मेकअप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। आप भी अच्छे से ऐसे ही लाइनर को अप्लाई करें। देन दूसरी साइड भी मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है, दूसरी साइड भी हमने अच्छे से कर लिया। और प्रॉपर हमारा ये अप्लाई होने के बाद हम करेंगे अंडर आईज नीचे की। तो उस पर मैंने लिया है पिंक आई शेडो, इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। दूसरी साइड में मैंने पिंक आई शेडो लिया है। देन उसके बाद हम लेंगे ब्लैक आई शेडो, देन उसको हम करेंगे वाटर लाइन पर अप्लाई। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको ब्लेंड कर देना है। इसको दूसरी साइड भी हमने ले लिया है और अच्छे से वाटर लाइन पर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम लाइनर कंप्लीट करेंगे अपना। ये हमारा दूसरी पहली साइड का हमारा लाइनर कंप्लीट हो गया, दूसरी साइड का भी हमारा लाइनर कंप्लीट हो गया। तो कितना अच्छा आई मेकअप लग रहा है। देन उसके बाद हम करेंगे नोज़ कॉन्टोरिंग। नोज़ कॉन्टोरिंग करने के बाद हमारा आई मेकअप काफ़ी अच्छा लगेगा। देन फिर लगाएंगे हम लैशेस। तो अभी हमने ब्लेंडिंग कर लिया है प्रॉपर, नीचे की साइड को आपको ब्लेंडिंग करना है जैसे मैं बताता हूँ हर वीडियो में आपको। तो गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। और जितना होगा मैं आपको बहुत अच्छा कुछ ना कुछ सिखाऊँगा नया, एंड जो जो मैं सीखता हूँ वो मैं आपको सिखाऊँगा सारी चीज़ें। एंड ये हमारा फाइनल लुक है। तो गाइज़ कितना प्यारा लग रहा है ये लुक, और शायद ये आपने शायद देखा होगा ये लुक, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। एंड गाइज़ मेहनत भी बहुत लगती है वीडियो बनाने में, तो
तो प्लीज़ लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।